नदी किनारे छुट्टी मनाने गया था कपल, वहां खुदाई में मिला कुछ ऐसा कि यूएस के लुइजियाना शहर में एक कपल रिवर किनारे छुट्टी मनाने गया था। इसी दौरान दलदल में उनकी नजर ऐसी चीज पर पड़ी जो करीब 1000 साल पुरानी थी। पहली नजर में उसे देखने के बाद वो धोखा खा गए कि ये क्या चीज है, लेकिन बाद में पता चला कि वो डूंगी है। ये है पूरा मामला। एक वेबसाइट के मुताबिक रॉबर्ट कॉनेट और जीना ब्रैडले छुट्टी मनाने के लिए शेर वेपोर्ट स्थित रेड रिवर गए थे। जब वो नदी किनारे राइडिंग कर रहे थे तभी उनकी नजर मिट्टी में लथपथ लंबी चौड़ी चीज पर पड़ी। उसके बाद दोनों ने उस जगह पर खुदाई करनी शुरू कर दी। जब उन्होंने उसी चीज को गौर से देखा तो पता चला कि वो डूंगी है जो कि करीब 1000 साल पुराना है। कपल का कहना था कि वह क्राफ्ट करीब 33 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा था। इतना ही नहीं, उस डूंगी का वजन करीब 1000 पाउंड था। बताया जाता है कि ये डूंगी कैडो इंडियंस के होंगे जो अब यूएस के लुइजियाना क्षेत्र में शिफ्ट हो चुके हैं। वहीं जब इसकी सूचना पुरातत्व विभाग को दी गई तो तुरंत टीम मौके पर पहुंच गई और उसकी छानबीन शुरू कर दिया। छानबीन के दौरान पता चला कि डोंगी का कंडीशन अब भी पूरी तरह सही है, लेकिन साइड के कुछ पार्ट गायब थे। शोधकर्ताओं का कहना था कि करीब 1000 साल पहले इसे बनाया गया होगा। शोधकर्ताओं की टीम में शामिल मिस्टर गिरट का कहना था कि 1983 में भी इस तरह का डोंगी मिला था जिसे फिलहाल म्यूजियम में रखा गया है। इस खोज की सूचना पूरे इलाके में फैल गई और डोंगी को देखने के लिए काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। कुछ समय बाद शोधकर्ताओं ने स्थानीय लोगों की मदद से उसे बाहर निकाला। फिलहाल उसे टेक्सास यूनिवर्सिटी में प्रिजर्व करके रखा गया है।